अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक गाइस। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, एसक्यूएल ज्वाइन होता क्या है, किस पर्पस के लिए होता है, और हमने उसका एक टाइप इनर ज्वाइन डिस्कस किया था। तो आज के हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें हम सीखेंगे कि राइट ज्वाइन क्या होता है और लेफ्ट ज्वाइन क्या होता है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इसके कुछ बेसिक पॉइंट्स देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसी डेफिनेशन देख सकते हैं। आप पूरी डेफिनेशन पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, या आप ही पढ़ सकते हैं। मैं आपको कुछ इसके पॉइंट्स को हाईलाइट कर देता हूँ। अब आप यहाँ देख सकते हैं, हमें पता है जॉइंस की मीन क्या होता है, टू कंबाइन करना, ठीक है। अब आप यहाँ देख सकते हैं, रिटर्न्स ऑल द वैल्यूज फ्रॉम द रोज आर राइट टेबल। मेन पॉइंट इसमें ये है कि राइट जॉइन का फंक्शन क्या होता है, वो रिटर्न करता है वैल्यूज़ को जो राइट के हमारे टेबल में हो, जितनी भी हो वो करता हमारे क्या करता है, डिस्प्ले करवा देता है। आगे पढ़ते हैं इसको, क्या होता है वहाँ पर राइट जॉइन में मैचिंग के लिए क्या होता है, टू मैचिंग रोज। क्या होता है वहाँ पे, रोज को मैचिंग किया जाता है। हम ये कह सकते हैं कि कामन रोज के हमारे टेबल वन में और टेबल टू में कौन कौन सी हमारे पास कामन रोज हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, फ्रॉम राइट साइड, आप यहाँ पे नाम पे फोकस कीजिएगा, फ्रॉम राइट साइड बट नॉट द लेफ्ट टेबल। जो हमारी राइट साइड टेबल होगी उसमें से सेम मैचिंग वैल्यूज को डिस्प्ले करवाता है वहाँ पर। चलिए हम इसको देख लेते हैं आगे, हाउ टू यूज राइट ज्वाइन। अब हम इसको ज्वाइन कैसे करेंगे, आप यहाँ पे इसके सिंटैक्स देख लेते हैं। सेलेक्ट टेबल डॉट कॉलम नेम, टेबल टू डॉट कॉलम, फ्रॉम टेबल वन। अब यहाँ पे हमें क्या यूज़ करना है, आप यहाँ देख सकते हैं राइट ज्वाइन कीवर्ड मैंने यहाँ पर यूज़ किया है टेबल टू, क्योंकि हमें टेबल टू मेंशन करनी होती है जो हमारी राइट साइड होती है और टेबल वन हमारी लेफ्ट साइड होगी। ऑन और उसी तरह से फॉर्मेटिंग जो मैंने अपना राइट इनर ज्वाइन में बताया था। फर्दर इसको समझने के लिए मैं नेक्स्ट मूव होता हूँ, एक एग्जाम्पल आपको डिस्प्ले करा देता हूँ। अब आप इस डायग्राम से समझ गए होंगे कि यहाँ पर मैंने टेबल वन भी है, टेबल टू भी है, ज्वाइन तो ये कर रहे हैं क्या। मैं यहाँ पर पॉइंटर ले लेता हूँ कि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो इस चीज़ का, मैंने पेन ले लिया है। अब देखें ये क्या करें, ये सारा ज्वाइन तो है आपस में, ठीक है, ये हो तो हमारा हो गया नेचुरल ज्वाइन। लेकिन बात ये आती है, जब हम राइट ज्वाइन की बात करते हैं तो वो साथ साथ वैल्यूज उठाता है टेबल टू में जो हमारी राइट साइड होती है। दैट्स व्हाई इसको मैंने ग्रीन किया हुआ है कि आप इजीली क्लियर हो सकें इस चीज़ से, ठीक है। ये पूरा मतलब इस टेबल टू को भी ले लेगा। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा वो है, हमारा है लेफ्ट ज्वाइन। कुछ भी डिफरेंस नहीं है लेफ्ट ज्वाइन राइट ज्वाइन, बात एक ही है। वहाँ पे भी क्या होता है, मैचिंग रोज करता है, बट डिफरेंस क्या है, वहाँ पर जो मैचिंग कर रहा था वो वहाँ पे कर रहा था टेबल नंबर हमारी टेबल राइट साइड पे, लेकिन यहाँ पर करेगा टेबल रोज टेबल लेफ्ट साइड से। अब यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल दी, देखें यहाँ पे आप देख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या किया है कि यहाँ पर एक मैंने टेबल क्रिएट की है, टेबल वन, जिसमें मैंने वैल्यूज की थी पुट की हैं 210, 211, 212, 213, और मैंने टेबल क्रिएट की है राइट साइड पे टेबल टू बी, ठीक है। उसमें मैंने वैल्यूज पुट की हैं 210, 214, 215, 212 एंड 212, ठीक है। अब आप मेन यहाँ देख सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या कर रहा है, लेफ्ट ज्वाइन और लेफ्ट आउटर ज्वाइन भी इसको कह सकते हैं, यहाँ पे ऑपरेशन अप्लाई कर रहा है। लेफ्ट ज्वाइन में क्या हुआ, मैचिंग क्या 210 210, आप यहाँ रिजल्ट में देख सकते हैं कि यहाँ पर 210 भी आ गया है, ठीक है। उसके बाद क्या था, लेफ्ट की वो वैल्यूज लाजमी उठाएगा 211, अब यहाँ पर 211 हमारे पास नहीं है तो यहाँ पर इसने क्या कर दिया, नल कर दिया है। यहाँ पे 211, उसके बाद उसने क्या उठाया 212, अब 212 आप देख सकते हैं सीक्वेंस में नहीं है, तो उसने क्या किया है यहाँ पे इसको भी ये नल कर दिया है, क्योंकि मैच नहीं हो रहा 212 की यहाँ पर जी गया है 215, ठीक है। तो यहाँ पे इसने ये भी नल कर दिया है, 213 उठाया यहाँ से उसने, ठीक है, 213 उठाया, 213 यहाँ पे मैच नहीं हो रहा तो यहाँ पे भी इसने क्या नल कर दिया है। अब बाकी बचे 214 और 215, तो
वो उसने लास्ट में डिस्प्ले कर दिए हैं। अब यहाँ पे आप जो मेरे नीचे मैंने कुछ कोटास दिया है, इसमें आप यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर क्या है, ऑल रोल्स फ्राम लेफ्ट टेबल टेबल ए एंड मैचिंग रोल्स फ्राम राइट टेबल बी। आप क्या कर रहे हैं, टेबल ए हमारी लेफ्ट टेबल है और जो हमारी बी टेबल है वो राइट टेबल है, बट अनमैच्ड रोल्स हाईलाइटेड टेबल इन बी। आप देख सकते हैं आप जो मैचेज जो हमारे पास टेबल मैच नहीं हुई है वो आप इसने हाईलाइट की हुई है। आप देख सकते हैं राइट साइड पे 214 एंड 215, तो उसने यहाँ पर डिस्प्ले करा दिया है कि आपको पता चले कि भाई ये चीज़ हमारे पास मैच नहीं हुई है। ठीक है, दैट्स वाई। अब इसको हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं कि हाँ भाई हम इसको अपने डेटाबेस में कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, तो इसको सीखने के लिए हम चलेंगे अपनी आईडी की तरफ। जैसे ही हम अपनी आईडी से मूव होंगे, अब मैं आपको यहाँ दिखा दूँ कि हमने क्या किया था। पहले मैं सेलेक्ट कॉल फ्रॉम कोर्स इन्फो, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कि मैं एग्जीक्यूट करता हूँ वही सेम टेबल है जो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में यूज़ की थी। आप देख सकते हैं टेबल वन मेरी जो हमारी टेबल वन है अकॉर्डिंग टू स्कीमा ये हमारी है लेफ्ट साइड पर, क्या ये हमारी लेफ्ट साइड पर है, और जो हमारी राइट साइड पर टेबल है वो है कोर्स इन्फॉर्मेशन, उसको भी मैं एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ आपको। ये हमारी टेबल है। अब मुझे क्या करना है इसमें सिर्फ, और ये जो मैंने डिस्प्ले जो कल मैंने क्यूरी एग्जीक्यूट की थी ना ज्वाइन में, मैं सेम क्यूरी यूज़ कर रहा हूँ, मुझे कुछ भी इसमें ऐड नहीं करना, बस मुझे क्या करना है उसमें कीवर्ड ऐड करना है लेफ्ट ज्वाइन। अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि भाई स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन टेबल में से स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन में से स्टूडेंट नेम, कोर्स इन्फॉर्मेशन में से कोर्स नेम आ जाए, फ्रॉम किस से, स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन से, स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन हमारे किस साइड है, राइट साइड है, लेकिन मैं यहाँ पे ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म कर रहा हूँ, लेफ्ट ज्वाइन, ठीक है, और कोर्स इन्फॉर्मेशन ऑन स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन डॉट स्टूडेंट आई डी, और कोर्स इज इक्वल कोर्स इन्फॉर्मेशन इज इक्वल टू स्टूडेंट आई डी। अब मैं इस क्यूरी को क्या करता हूँ, सिलेक्ट करूँगा फर्स्ट ऑफ ऑल, क्यूरी मैंने सिलेक्ट की और मैं इसको करता हूँ एग्जीक्यूट। अब फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या अप्लाई किया है, लेफ्ट ज्वाइन। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो मैंने यहाँ पे कीवर्ड यूज़ किया है, मैं थोड़ा फोकस कर देता हूँ कि आपको ज़्यादा नजर आए। आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे कीवर्ड कौन सा यूज़ किया है, लेफ्ट ज्वाइन। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरे पास जो डेटा आया है, अभी देखें मेरे पास डेटा क्या आया है यहाँ पर लेफ्ट ज्वाइन में, जो हमारे पास लेफ्ट टेबल थी वो बेसिकली थी हमारे पास फोर रिकॉर्ड, ठीक है, फोर के फोर्थ डिस्प्ले हो गए क्योंकि वो वैल्यू लाजमी फोर्थ की डिस्प्ले करेगा, लेकिन हमारे पास जो राइट साइड टेबल थी, जो हमारे पास राइट साइड टेबल है उसमें सिर्फ तीन रिकॉर्ड थे, इंग्लिश, इस्लामिक स्टडी एंड उर्दू। तो यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर मुझसे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, भाई यहाँ पर उर्दू आएगा। अब आप देख सकते हैं लेफ्ट ज्वाइन में इसने क्या किया है कि उसने सारे रिकॉर्ड डिस्प्ले किए हैं टेबल स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन के, लेकिन वहाँ पर क्या है, वहाँ पर सिर्फ थ्री रिकॉर्ड्स थे, तो वहाँ पर उसने क्या डिस्प्ले कर दिया है, नल, जिससे वहाँ पर वैल्यूज मैच नहीं हुई, क्योंकि हमने कोर्स इन्फॉर्मेशन में ओनली थ्री रिकॉर्ड्स ऐड किए थे और अपनी स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन में फोर रिकॉर्ड ऐड किए थे। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ पर कर रहा हूँ राइट ज्वाइन, ठीक है, मैं यहाँ पे वो कीवर्ड चेंज कर रहा हूँ राइट ज्वाइन, ठीक है, और मैं इस क्यूरी को सिलेक्ट करता हूँ और मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। डेटा आउटपुट, आई थिंक मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, मेरे साथ थोड़ी गड़बड़ हो गई है मुझसे अपने आईडीज में, मैंने रिफ्रेश किया,
और मैं इसी तरह से जाता हूँ अपनी आईडी की तरफ और कनेक्ट होता हूँ डेटाबेस से, क्या कैरी ना, और जाता हूँ सीधा क्यूरी टूल की तरफ और अपनी क्यूरी को एग्जीक्यूट करता हूँ। वो जूम के लिए जूम करने का समय से ठीक है। अब मुझे यहाँ पे क्या करना था, मुझे कीवर्ड चेंज करना था राइट ज्वाइन, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ राइट ज्वाइन और इस क्यूरी को सिलेक्ट करता हूँ और एग्जीक्यूट करता हूँ। अब आप यहाँ देख सकते हैं जैसे कि हमारे पास राइट टेबल की तरफ, हमारे पास राइट साइड हमारे पास कौन सी टेबल थी, कोर्स स्टूडेंट, सॉरी कोर्स एंड कोर्स नेम। तो उसने क्या किया, सारे जो कोर्स नेम थे वो डिस्प्ले करा दिए यहाँ पर। तो आपको क्लियर हो गया होगा राइट ज्वाइन और लेफ्ट ज्वाइन हम यूज़ क्यों करते हैं बेसिकली। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई क्वेश्चन या कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट एसक्यूएल टाइप के साथ। अल्लाह।